फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राकेश ठाकुर आपका हिमाचल प्रदेश के इस फर्स्ट वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मास्टर लेक्चर, बहुत सी चीजों को इसमें कवर किया गया है। इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि हिमाचल को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, हिमाचल को किस तरह से विभाजित करके हम पढ़ सकते हैं और अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स, हिमाचल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, जिसे कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है जी, आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एचपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका आपका हिमाचल प्रदेश निभाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हिमाचल को हम एक अलग तरह से पढ़ेंगे। आप लोगों ने मुझे सुनना है, ठीक है जी, और मुझे ध्यान से मेरी जो आवाज है उसको अपने कानों में जाने देना है और सिर्फ इत्मीनान से मुझे सुनना है। ठीक है जी, हिमाचल को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर परीक्षा में सहायता कर सके। ठीक है, तो चलिए हिमाचल प्रदेश को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं बात करते हैं। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश को हम तीन पार्टों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट आपका भौतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया और राजनीतिक ऐतिहासिक कारक हो गया। ठीक है, इन तीन भागों में हम हिमाचल को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए भौतिक कारक में देखते हैं कि भौतिक कारक में हम क्या पढ़ते हैं। यहाँ मैं मैप के थ्रू भी आपको समझाऊंगा भौतिक विभाजन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं भौतिक विभाजन की। भौतिक विभाजन में भौतिक कारक सबसे पहला पार्ट आता हमारा फिजिकल फैक्टर। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जितनी भी नदियां, नाले, पर्वत, पहाड़, ये सारे क्या है, जो भी हमें चीजें दिखती है, ये भौतिक कारक में हम इनको स्टडी करते हैं। एक अलग डिविजन में हम इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया है कि फिजिकल फैक्टर। और दूसरा आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में हमारा कल्चर, कल्चर के आधार पर हर डिस्ट्रिक्ट को विभाजित किया गया है। ठीक है जी, और यहाँ पे अलग अलग भाषाएं, ठीक है, इस आधार पे इन हमने हिमाचल प्रदेश को विभाजित किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हम भौतिक कारक की। तो भौतिक कारक में हम देखते हैं कि यहाँ का जो भौतिक विभाजन है, प्रशासनिक भौतिक विभाजन है, वो नदियों और पर्वतों पर ही आधारित है। चलिए आप जानते हैं, देखो, चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू, ये धौलाधार पर्वत श्रेणियों के थ्रू जो है इनका विभाजन होता है। धौलाधार पर्वत श्रेणियों के थ्रू इनका विभाजन होता है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर की बात करें तो ये झास्कर श्रेणियों द्वारा इनका विभाजन होता है। झास्कर श्रेणी जो इनको विभाजित करती है। ठीक है जी, आप जानते हैं ग्रेट हिमालय की बात करें, यानी उच्च हिमालय, ये वाला जो आपको दिख रहा है, उच्च हिमालय की बात करें, ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से अलग करता है। और आपने पढ़ा होगा शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, उच्च हिमालय। तो आप जानते हैं जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय जो है ये हमारा मैदानी भागों से हिमाचल को अलग करता है। जैसे पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा से शिवालिक अलग करता है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है जी, और सतलुज नदी की बात करें, भौतिक कारक में नदी भी आती है, तो नदी को देखें तो जो सतलुज नदी है ये कुल्लू, शिमला, मंडी, ऊना, बिलासपुर जिलों के बीच में क्या करती है, विभाजन का काम करती है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हम भौतिक विभाजन में पढ़ते हैं। जो भी आपको चीज दिखती है ना, जो भी फिजिकली आप देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, इसको फिजिकल फैक्टर के थ्रू अलग कर सकते हैं। नदियां आ गई, दर्रे आ गए, पहाड़ आ गए, चोटियां आ गई, वो सारी चीजों को हम भौतिक कारक में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम संस्कृत कारक की। सांस्कृतिक कारक जो कल्चरल फैक्टर है हमारे, कल्चरल फैक्टर, आप जानते हैं कि विभाजन के समय जो ये कल्चरल फैक्टर थे, सांस्कृतिक कारक थे, इन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है जी, आप सभी जानते हैं कि तिब्बत के साथ हमारी सीमा लगने वाले जो जिले हैं, जैसे लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये अधिकांश यहाँ के लोग जो है बौद्ध धर्म को प्राथमिकता देते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी है। ठीक है जी, तो आप जानते हैं कि ये जो लाहौल स्पीति और किन्नौर, लाहौल स्पीति में लाहौली बोली बोली जाती है और किन्नौर में नौटी बोली बोली जाती है, तो इस आधार पर जो है इन्हें भी विभाजित किया गया। जैसे कि निम्नवर्ती जो जिले हैं हमारे, वहां पे जैसे कुल्लू में अगर बात करें तो कुल्लू बोली जाती, मंडी में मंडियाली बोली जाती, कांगड़ा में कांगड़ी बोली जाती, हमीरपुर में हमीरपुरी बोली जाती। तो इस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश का विभाजन करते हुए सांस्कृतिक
विषय पर भी, सांस्कृतिक विषय या फैक्टरों पर भी, कारकों पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी समझा। ठीक है, तो आप जानते हैं इसी आधार पर जो है हमारे यहाँ सांस्कृतिक विभाजन या सांस्कृतिक कारक के रूप में हिमाचल को पढ़ा जाता है। ठीक है जी, थर्ड बात करते हैं हम राजनीतिक ऐतिहासिक कारक की, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल फैक्टर की, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल फैक्टर की। तो आप जानते हैं हिमाचल के कुछ जिलों का नाम, कुछ जिलों का नाम प्राचीन काल की रियासतों के नाम पर ही पड़ा, रियासतों के नाम पर ही रखा गया है। तो जैसे कि अगर चंबा की बात करें, चंबा का नाम, मंडी का नाम, सिरमौर का नाम, कुल्लू एक्सेट्रा, बहुत सारी रियासतें हैं हमारी जिनका नाम रियासतों के हिसाब से डिस्ट्रिक्टों का नाम रखा गया। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो अगर प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में आप जानते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है हमारी शिमला थी, और उसी टाइम से शिमला को विशेष इसमें रख के आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी हिमाचल की राजधानी जो है शिमला है। इसी यही कारण है कि शिमला को आज भी प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है जी, तो ये चीजें होगी हमारी राजनीतिक कारक में, राजनीतिक कारक में। और एक पॉइंट और भी आप शिमला से याद रखते हैं, रख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी शिमला आए थे 1921 में, महात्मा गांधी भी शिमला आए थे। ठीक है जी, अब अगर हम भौतिक विभाजन की बात करें, है ना, भौतिक विभाजन की बात करें तो हम हिमाचल प्रदेश को तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं यहां देख पा रहे होंगे आप कि बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है जी, जो बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय, ये चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, फिर आता है आपका लघु हिमालय या फिर मध्यवर्ती हिमालय। ठीक है, फिर आता है हमारा उच्च हिमालय, उच्च हिमालय। अब बात करते हैं हम ये है क्या चीज। ठीक है, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक विभाजन में शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और उच्च हिमालय, इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम एक एक चीजों को देखेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय की, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ना। आप जानते हैं बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ये जो शिवालिक है, शिवालिक को आर्य ग्रंथों से लिया गया है, शिवालिक को जो है आर्य ग्रंथों से लिया गया है। और इस शिवालिक पर्वत को मैनाक नाम से भी जाना जाता है, मैनाक नाम से भी जाना जाता है। अधिकार स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी बहुत सारी बातें हिमाचल के बारे में। तो मैं चाहता हूं एक स्वरूप के रूप में आपको हिमाचल का परिदृश्य करवाया जाए, ठीक है, जिससे आपको हिमाचल पढ़ना बहुत आसान हो सके। ठीक है, तो चलिए, शिवालिक की जो पर्वत है, शिवालिक पर्वत को मैनाक नाम से भी जानते हैं। शिवालिक का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ शिव संगनी अर्थात शिव की जटाएं। ठीक है जी, तो ये पर्वत श्रृंखला जो है हिमाचल प्रदेश को, मैदानी भागों से यानी पंजाब और हरियाणा से अलग करती है। तो शिवालिक रेंज, ये जो शिवालिक रेंज आप देख पा रहे हैं, तो शिवालिक पर्वत राबी नदी के पश्चिम से, पूर्व यमुना का जो भाग है, सिरमौर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो राबी नदी के पश्चिम से पूर्वी यमुना के भाग तक फैला हुआ है। इसका विस्तार कांगड़ा से निकलती है, आपको पता है बड़ा बंगाल से राबी नदी निकलती है, तो उसके पश्चिमी भाग से लेके यमुना के पूर्वी भाग तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है जी, तो इसके भूभाग की बात करें, जो ये शिवालिक रेंज है, पूरी ये शिवालिक रेंज, इसके अगर भूभाग की बात करें तो ये 290 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो कुल लेंथ है 290 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ मानी जाती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 10 से 40 किलोमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, इसी में अगर और देखें शिवालिक में, तो इस पर्वत श्रेणी में आपका चंबा हो गया, डलहौजी हो गया, भटियात हो गया, कांगड़ा हो गया, रेहलू हो गया, नूरपुर हो गया, धर्मशाला, पालमपुर, ज्वालाजी, उन्ना, हमीरपुर, कालांब, बिलासपुर, ये क्षेत्र जो है शिवालिक रेंज में हमें देखने को मिलते हैं, चंबा का निचला भाग। ठीक है जी, और इस पर्वत की चोटी या पहाड़ियों की, ये जो शिवालिक रेंज है, इसकी जो पर्वत, ये चोटियां या फिर पहाड़ियां हैं, इनकी हाइट हमें समुद्र तल से 350 से लेके 1500 मीटर तक
देखने को मिलती है। ठीक है जी। और शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण की बात करें तो शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण जो है ये नदी की निक्षेपण क्रिया के कारण ही इसका निर्माण हुआ है, शिवालिक पहाड़ियों का। और आप जानते हैं इसी के कारण यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। और शिवालिक क्षेत्रों में वनस्पति थोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र जो है यहाँ पे वनस्पति का थोड़ा कम प्रभाव है, यहाँ कम देखने को मिलती है हमें वनस्पति। क्यों? क्योंकि मानवीय क्रियाओं ने यहाँ प्राकृतिक संपदा को बहुत क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, या फिर बहुत ज्यादा क्षति क्षति पहुंचाई है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पहाड़ी जलधारा बहती है। ये शिवालिक क्षेत्र जो है, ये हमारा शिवालिक क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा ऋतु में पहाड़ी जलधारा बहती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में यहाँ हम चो कहते हैं। स्थानीय भाषा में हम इन्हें चो कहते हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय जो है दून घाटियों के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं। दून घाटियां, जिनको हम लंबत पहाड़ी भी बोलते हैं, जिन्हें हम लंबत पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक पहाड़ियों से अगर और चीज देखें तो यहां पे वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिलती है। तो ये तो होगी फ्रेंड्स हमारी शिवालिक हिमालय की बात, या फिर बाहरी हिमालय की बात। अब दूसरी बात करते हैं हम, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, तो इस पर्वत श्रृंखला को पांगी पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, पांगी पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, और कुछ एक भूवैज्ञानिक इसे पीर पंजाल के नाम से भी पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ की जो दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक धौलाधार और एक पीर पंजाल। ठीक है जी। और इस पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई की बात करें तो 1500 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। और ये पर्वत श्रृंखला कुल्लू को लाहौल स्पीति से अलग करने के बाद चंबा में प्रवेश करती है, और चंबा में प्रवेश करती है। और इस भूभाग क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में आपके चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, चूड़धार एटसेट्रा क्षेत्र जो है आते हैं, इसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है जी। और यहाँ की बात करें दो मुख्य श्रेणियों की, तो आप जानते हैं धौलाधार और पीर पंजाल जो है यहाँ की मुख्य श्रेणियां हैं। और धौलाधार की बात करें, धौलाधार को हम मोलाक पर्वत भी बोलते हैं, मोलाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और श्वेत घाटी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे बर्फ की चादर बिछी रहती है। ठीक है जी। और इसके जो मुख्य, ये चंबा, कांगड़ा और मंडी में देखने को मिलती है हमें धौलाधार पर्वत श्रेणी। तो देखिए, हमने हिमाचल के विभाजन के रूप में भौतिक कारक पढ़े, सांस्कृतिक कारक पढ़े, और राजनीतिक और ऐतिहासिक कारक पढ़े। ठीक है जी। उसके बाद हमने भौतिक विभाजन में देखा शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी को हमने देखा। उसके बाद हमने लघु हिमालय को देखा। अब बात करते हैं उच्च हिमालय की, उच्च हिमालय की, ग्रेटर हिमालय की। तो ये पर्वत श्रृंखला जो है अल्पाइन खंड में आती है, ये पर्वत श्रृंखला अल्पाइन खंड में आती है। अल्पाइन वृक्ष आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसकी अगर हाइट की बात करें तो 4500 से 7026, आप जानते हैं शिला चोटी की हाइट कितनी है, 7026, जो कि आपको कहां मिलेगी, किन्नौर में मिलेगी। किन्नौर में कहां, आप जानते हैं जो पीर पंजाल श्रेणी है उसी के अंदर एक शिप की दर्रा है, और उसी शिप की दर्रे में पड़ती है आपकी शिला चोटी। ठीक है, जिसकी हाइट आपको पता है 7026 मीटर है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये स्पीति तथा ब्यास को अलग करती है, जो उच्च हिमालय है ये स्पीति और ब्यास को अलग करती है। और झास्कर श्रेणी महान हिमालय या उच्च हिमालय का एक बहुत बड़ा भाग है। ये स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है। जो झास्कर श्रेणी है ये स्पीति और किन्नौर तिब्बत से अलग करता है, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है। ठीक है जी। और आप जानते हैं इस क्षेत्र में बारिश जो है कम देखने को मिलती है, इस कारण यहाँ पे ड्राई फ्रूट की खेती की जाती है, ड्राई फ्रूट का उत्पादन होता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में आप जानते हैं साच, चीनी, छाबिया, कुगती, चंबा और हामटा, चंद्र खैरनी, ये दर्रे जो है इस उच्च हिमालय वाली श्रेणी में आते हैं। ठीक है जी। और आप जानते हैं उच्च हिमालय को एशिया का मौसम निर्माता भी कहा जाता है, मौसम निर्माता भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हमने इस चीज को देखा, क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम औसत वार्षिक टेम्परेचर की। जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे औसत वार्षिक टेम्परेचर किस तरह से निर्धारित है या कैसे ये रहता है, यहाँ पे कितना कितना औसत टेम्परेचर हमारा रहता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारी शिवालिक रेंज है, लघु हिमालय रेंज है या फिर उच्च हिमालय रेंज है, यहाँ पे अलग अलग तरह से हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। जैसे अगर शिवालिक रेंज की बात करें, जो हमारे निम्नवर्ती इलाके हैं, वहां 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। जैसे कांगड़ा हो गया, गोपीपुर, देहरा, ऊना, नूरपुर, बिलासपुर, सोलन, नाहन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 24 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है निम्नवर्ती भागों में इनके, ठीक है। अब 20 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो ये हिमालय के मध्यवर्ती जिलों में देखने को मिलता है। जैसे शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी का क्षेत्र हो गया, ठीक है जी। तो इन मध्यवर्ती इलाकों में या क्षेत्रों में या डिस्ट्रिक्टों में हमें 20 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर 16 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो 16 डिग्री टेम्परेचर में हमारे जो ऊपर के भाग, जैसे हमारा चंबा का निचला भाग आ गया, ठीक है, जैसे कुल्लू का ऊपरी भाग हो गया, मनाली, ठीक है, किन्नौर का ऊपरी भाग हो गया, ठीक है जी, इन क्षेत्रों में हमें 16 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। और वहीं देखे तो कई कई क्षेत्रों में 12 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसी के ऊपरी क्षेत्र में हमें ये जो बेल्ट देख रहे हैं आप, 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये हमारा नीचे निम्नवर्ती, फिर थोड़ा ऊपर ये जो इसी के ऊपरी भाग, फिर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता, फिर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है चंबा के ऊपरी भागों में, ठीक है, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम 12 डिग्री या 1 डिग्री टेम्परेचर की। तो जो 1 डिग्री टेम्परेचर है, 1 डिग्री जो टेम्परेचर, 1 से 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहता है, आपने पढ़ा होगा किन्नौर का पूह इलाका हो गया और लाहौल स्पीति के जो उच्चवर्ती पर्वतीय शिखर, उनपे हमें 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 से कम माइनस में टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा औसत वार्षिक वर्षा के या टेम्परेचर के क्रम में कुछ एक डाटा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, या फिर आप जब पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान ये चीज आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम जलवायु खंड की। तो जलवायु खंड में हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ते हैं, किन किन चीजों को पढ़ते हैं। जलवायु खंड से पहले एक चीज और देख सकते हैं हम, कृषि, ठीक है, कृषि और बागवानी की विशेषता। हिमाचल, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश कृषि पे ही निर्धारित है। यहाँ पे फल सब्जियां इन्हीं का उत्पादन किया जाता है और इन्हीं से जो है अपना निर्वाह चलाया जाता है। तो क्यों ना जलवायु से पहले हम कृषि पे थोड़ा ध्यान दें। तो यहाँ की कृषि और बागवानी की विशेषता, ठीक है, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 55,673 वर्ग किलोमीटर में से 9.68 लाख हेक्टर भूमि पर जो है कृषि की जाती है। इतना 9.68 लाख हेक्टर पर जो है क्या कृषि की जाती है। और इसी के अंतर्गत हम कुछ एक पॉइंटों को देखेंगे, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे वनों के अधीन क्षेत्र कितना है, वनों के अधीन क्षेत्र की बात करें तो 24.3%, ठीक है जी। घास भूमियां तथा चरागाहें, यहाँ पे घास भूमियां तथा चरागाहें मतलब पशु को चराने वाले जो क्षेत्र है, चरागाहें कहलाते हैं आप जानते हैं, तो इनकी अगर बात करें तो ये 33.4% देखने को मिलते हैं। बंजर तथा अकृष्य भूमि, ठीक है जी, बंजर भूमि और अकृष्य जहां पे कृषि नहीं की जाती, उस भूमि की बात करें तो 17.7% हमें देखने को मिलती है। और गैर कृषि भूमि की बात करें तो 7% देखने को मिलती है, ठीक है जी। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जो कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ है, ठीक है जी, उस भूमि की बात करें तो हिमाचल में 2.7% वैसी भूमि भी देखने को मिलती है। और विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा उपवनों की भूमि, जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष तथा उपवन है, उस भूमि की बात करें तो वो हमें कितनी देखने को मिलती है, 1.3% देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट बात आती है चालू परती भूमि की, जो करंट फॉलो लैंड है वो 1.4% देखने को मिलती है। फिर शुद्ध बोया क्षेत्र की बात करें, नेट एरिया शोन की, तो 12.0% हमें देखने को मिलता है,
ठीक है जी। तो ये कृषि और बागवानी से कुछ एक इम्पोर्टेंट डाटा था जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे लिखने में बहुत सहायता करेगा ये आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो चलिए अब जलवायु खंड की बात करते हैं। तो जलवायु खंड की बात करें तो आपको पता है यहाँ की जो जलवायु है वो हाइट के हिसाब से है, ठीक है जी। आप जानते हैं निम्नवर्ती क्षेत्रों में जलवायु कुछ और देखने को मिलती है, मध्यवर्ती भागों में जलवायु का स्थान कुछ और रहता है, जलवायु देखने को कुछ और मिलती है, उच्चवर्ती भागों में देखे तो जलवायु कुछ और देखने को हमें मिलती है। तो चलिए बात करते हैं हम निम्न उष्ण कटिबंधीय जोन की, जो लोअर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसकी बात करें तो निम्न इसकी जो हाइट रहती है 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक इसकी हाइट रहती है, ठीक है जी। इस जलवायु खंड में पांवटा, नाहन, नालागढ़, बिलासपुर का चरंग, उन्ना, नूरपुर ये सारे जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस जलवायु क्षेत्र के जो क्षेत्र है ना, इस जलवायु जोन के जो एरिया है वो चरंग हो गया, बिलासपुर का उन्ना हो गया, नूरपुर हो गया, नालागढ़ हो गया, नाहन हो गया और पांवटा साहिब हो गया, ठीक है जी। और इस जलवायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, नमी ह्यूमिडिटी मतलब जो ह्यूमिडिटी है इसकी परसेंटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हम निम्न उष्णकटिबंधीय जोन से हमने देखा। फिर बात करते हैं उपोषण की। तो उपोषण की बात करें तो उपोषण में यहाँ कुल्लू, शिमला, मंडी के कुछ भाग और इसकी जो हाइट रहती है 700 से 1500 मीटर इस उपोषण कटिबंध की हाइट रहती है, ठीक है जी। और फिर अगर बात करें हम मिडल टेम्परेट क्लाइमेट जोन की बात करें तो आप जानते हैं इस क्षेत्र में जो है चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, ठीक है जी, शिमला हो गया, सोलन हो गया। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 1500 से 3000 मीटर तक ये स्थित है, ठीक है जी, 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये स्थित है। और यहाँ पे वार्षिक वर्षा की बात करें, वार्षिक वर्षा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है। अगर यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आपको बताया था मैंने कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का औसत टेम्परेचर रहता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट की बात करें, ये हमारा उच्च अल्पाइन कटिबंध हायर अल्पाइन क्लाइमेट जोन, इसमें अगर हम देखें तो इसकी ऊंचाई जो है 3000 से लेके 4500 से 5000 मीटर तक देखने को हमें मिलती है। इसके अंतर्गत चंबा का पांगी तथा भरमौर क्षेत्र और लाहौल स्पीति और किन्नौर ये सारे क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं डिस्ट्रिक्ट के, क्लियर। और यहाँ पे अगर औसत टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है, ठीक है जी। आपने देखा, आपको मैंने बताया भी कि लाहौल स्पीति के जो उच्च पर्वतीय शिखर